लीजिए आप परिवर्तन घर वापसी की। आज सेकंड टाइम चोर बाजार आ रहा हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि आज मैं जामा मस्जिद के अंदर जाने वाला हूँ और एक टूर गाइड के साथ जाने वाला हूँ। 3 बजे का बोला था उनने मिलने के लिए मेरे को बाहर मोहब्बत की शरबत वाले के यहाँ पर। अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी नहीं पता अभी तक, और अंदर ले जाएंगे और अली नाम है उनका, तो थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। अली ने यहाँ पर ही बोला था मुझे मिलने के लिए, 3 बज गए लेकिन अभी तक भी दिख नहीं रहा है वो, ऊपर ही वो रही दुकान पर। वहाँ मैं जाके खड़ा होता हूँ, तो आ जाए तो बेस्ट, और नहीं आया तो भी फिर। तो अली मिल गए, मैं नीचे वेट कर रहा था हाफ एन आवर से और ये ऊपर खड़े थे यहाँ पर। राइट नाउ यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा था, आई वाज वेटिंग फॉर हिम एंड ही वाज मिसिंग टोटली। वो इंटरव्यू लेने वाले चले गए। नहीं मैं नीचे वेट कर रहा था, मेरे को लगा आज भी आप यहाँ पर ही ऊपर आए इंटरव्यू ले रहे थे। ओके आप यहाँ पर होंगे तो अब यहाँ से टूर स्टार्ट करते हैं हम जामा मस्जिद का। अभी मैं और अली भाई मीनार के ऊपर चढ़ रहे हैं और काफ़ी सही आर्किटेक्ट बना हुआ है भाई, मैंने फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया है आर्किटेक्ट। एंड यू कैन सी द डेप्थ एंड जो बनावट है यहाँ की, ये सीढ़ियों की कुतुब मीनार की सिमिलर कुछ ऐसे ही है। अंधेरी सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे अगर यहाँ आते हो तो, और थैंक्स टू अली भाई की यहाँ तक मेरे को लेकर आए वो, क्योंकि यहाँ पर आना इतना इजी नहीं है सबके लिए। टेक केयर। ओह माय गॉड, अच्छा कितना प्यारा है। यू कैनॉट गो फॉर अ सुसाइड, यू नो व्हाई, बिकॉज़ दे हैव क्लोज्ड ऑल द पैनल्स, तो आप पैनल देखा भाई इफ यू आर। ये कैमरे में शायद ही मैं बता पाऊंगा इतना अच्छा था पूरा, ये कैमरा नहीं कर सकता इतना रिकॉग्नाइज सब कुछ। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, पूरा लाल किला दिख रहा है सामने वहाँ पर। हाँ एज यू कैन सी वो सामने भी एक मीनार है, वहाँ भी हम जा सकते थे। अब देख लो आप कितना हम चल के आए नीचे से ऊपर से, पूरा ये पूरा है भाई, सिर्फ इतना सा स्पेस है इसके अंदर जितना है ये। और थैंक यू सो मच कि आपने को याद आया। हकीकत में डर रहा था कि कैसा क्या होगा एक्सपीरियंस, मेरे को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरा। आप लोग महसूस कर सकते हैं कि इतनी हाई जीडीपी इंडिया की थी और कैसे कर करके वो काफिला चलता होगा, और चलने के बाद ऑन रोड ही टू गो ऑल द वे टू कंट्री। और डोंट फॉरगेट कि इवन द ब्रिटिश एम्पायर वाज नॉट दैट पावरफुल एज इंडिया वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल। हम हिस्ट्री डिस्काउंट कर सकते हैं, हम हिस्ट्री को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स है उस चीज़ से हम आगे नहीं जा सकते। काफ़ी सही बताया इन्होंने, और काफ़ी है भी काफ़ी प्यारा ये पूरा, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, एक एक्सपीरियंस करा है फर्स्ट टाइम मस्जिद में और इनमें आया हूँ मैं तो, लाइक मेरे को काफ़ी सही लगा ये पूरा। और पूरा याद है साइड से आप बाहर से अगर कैमरे में दिख रहा हो, शायद ही दिख रहा होगा, पूरा दिल्ली दिख रहा है मेरे को जितना लगता है यहाँ से, पूरा मतलब सारी बिल्डिंग्स और सब कुछ याद क्लियर दिख रहा है, काफ़ी सही है बाकी पूरा भाई ये। और हर मतलब एक बार तो आना ही आना चाहिए आपको भी, आप अगर दिल्ली आते हो तो, और पूरा ये देखना चाहिए। आपका गाइड स्कोट, मैं इनका नंबर भी पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सब कुछ डिटेल्स देंगे। और प्लीज इनको लेकर आना, काफी सही है, हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यू नो वर्किंग विद द ब्रिटिश ग्रुप, एक प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ आता था कि बॉस वाज स्केर्ड कि तुम अपना फोन नंबर मत देना, अपना ईमेल आईडी मत देना। तो आई न्यू के रीजन क्या था, बिकॉज हम इंटरनेशनल में आप हो जाते हैं, और अगर वो फॉरेनर मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे तो बॉस के कंपनी को नुकसान होगा। सो देन आई सेड ओके, सो वर्किंग ऑन 22 years आई स्टिल डिड नॉट गिव माई फोन नंबर और माई ईमेल आईडी टू एनीबडी, बट थैंक्स टू निखिल जो मुझे ऐसे प्रमोट कर। और काफ़ी सही है अली भाई, एक बार प्लीज़ अगर आते हो दिल्ली तो इनको एज ए टूर गाइड आप लेकर चलना, पूरा दिल्ली काफ़ी अच्छे से घुमाएंगे अच्छे से। यहाँ से मैं पूरा लाल किला बताता हूँ क्यों, और आई डोंट नो मैं गिर गया, सामने पूरा लाल किला है, इसके अंदर दिखेगा नहीं क्योंकि दिल्ली के पोल्यूशन के कारण घूम इसमें नहीं होगा। मैं लाइक आई वांट दैट देयर देयर और उसके बाद इट्स पेन शॉट से मतलब अमेजिंग ही सेड इट।
पूरा काफी ज्यादा पतला है, इधर देख सकते हो पूरा, इसी में से आने का इसी में से जाने का वन वे रास्ता है। चलो बेटा चलो पास, चलो मैं चल लियो। आई पूरा काफी ज्यादा पतला है, देख सकते हो पूरा रास्ता। लेकिन उस टाइम पे इसको कैसे बनाया होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई सोच कर। बीच का जो खंभा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला जिसे अभी कॉलम बोलते हैं, फाइनली इस मीनार से बाहर उतर के मैं आ गया हूँ जस्ट अभी अभी, और ये पूरा देख सकते हो आप यहाँ सारा। हमारे अली भाई भी आ गए। ओके, दीज आर द टू डोम एंड देयर इज वन मोर बिहाइंड ओवर देयर, दिस मीनार उधर है, ये मीनार से भी एक पूरा मीनार राइट। और ये सामने जो पूल है इसकी बहुत प्यारी सी हिस्ट्री है, एंड यू नो इस्लामिक फैक्ट्स आर बेस्ड मोर ऑन द हिस्ट्री आल्सो। ओके, ये पूल दिखाओ दिखाओ निखिल। या या मैंने बताया अभी। No, I am talking the pool man. Yes, yes. Okay, इस पूल के ऊपर यह है कि आप हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डूइंग द एब्लूशन। एब्लूशन मींस वॉशिंग ऑफ द हैंड एंड फीट। ओके ओके, इससे ही इसी पूल में वो उन्होंने वहाँ देखा था, और ये सपना देखा शाहजहाँ ने, और जब ख्वाब देखा, और ये ज़बरदस्त मानना है कि हर किसी को बशारत नहीं होती है, और उनको बशारत हुई थी। बशारत मीन्स जो सपने में भी अगर वो दिखते हैं। ओके, तो वो कहते हैं कि वो एक रियलिटी होती है, मोर इन द सेंस लाइक इट्स नॉट ऑफ अ एट मोमेंट यू गेट योर मेंटली कंफ्यूजन एंड देन यू सी लॉट्स ऑफ थिंग इन ड्रीम, बट इफ़ यू सी प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स वो बशारत जो होती है वो रियल एक वो होती है। तो उन्होंने यहाँ पर जो वजू किया था, तो उस वक्त ये पहाड़ी थी, ये मस्जिद नहीं थी। ये okay. पहाड़ी थी, तो इस पहाड़ी पर फिर और इमेजिन ताजमहल जैसा मॉन्यूमेंट बनाने के बाद वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर उनको पहाड़ी सामने लाल किला और फिर जामा मस्जिद, ये दो कंस्ट्रक्शन। और ओल्ड एज में यू कैन नॉट इमेजिन दिस ऑफ एनी ऑफ द रूलर्स इन इंडिया। तो और वो एक जो सिस्टम था कि मजदूर बाहर से आ रहे थे और 22,000 मजदूरों के हाथ काटे गए, दैट्स टोटली लाइज, बिकॉज 5,000 का पॉपुलेशन था दिल्ली का 12th सेंचुरी में। तो वो सच नहीं है जो 16th सेंचुरी के अंदर कितना पॉपुलेशन होगा कि 22,000 लोगों के हाथ काट दोगे तो बगावत हो जाएगा हिस्ट्री के अंदर, कुछ तो लिख मिलता आपको। दैट टोटली रॉन्ग, एंड वो उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये था, ही वॉज अ काइंड हार्टेड किंग, और उन्होंने अपने बाप को गिरफ्तार नहीं किया था। ये क्वेश्चन मैंने हमेशा अंग्रेज़ों से पूछा है, जब भी मैं उस हॉल में ले गया हूँ आगरा के, आप भी जाओ तो देखना, कि वो इतना बड़ा पैलेस का रूम एंड यू आर कॉलिंग इट अ प्रिजन, कैदखाना तो डार्क होता है, तो उसमें कैदखाने में इनको रखा नहीं गया था। और फिर वो सेवक के रूप में खुद औरंगजेब जो है चेहरे को ढक करके अपने बाप की खिदमत किया करते थे। सो सीइंग ऑल दिस जो फैक्ट है हमारे सामने कि पैलेस के रूम को आप कैदखाना बोला, बाप को कैद कर दिया, हाथ कटवा दिया, और बगावत का एक लाइन नहीं है किसी की, और हिस्ट्री सिर्फ इंडिया में लिखी गई थी, लाइक आई सेड पीपल वर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम काफी ट्रैवल टर्की, और वो मेन रूट था। और इंडिया काफ़ी पावरफुल था मॉनिटरली, और उसका सबसे बड़ा सबूत आपको लाल किले के अंदर जो निकल गए थे वहाँ आप देख सकते हो, लाल किले के अंदर तख्ते ताउस में सबसे बड़ा ऑफ द 12 ज्वेल्स देयर, तख्ते ताउस सबसे बड़ा हीरा वहाँ पर कोहिनूर, जो इवन ब्रिटिश एम्पायर वालों को के पास नहीं था, देवा कॉलोनाइजिंग द एंटायर वर्ल्ड, और वो कोहिनूर हीरा फिर ब्रिटिश ने जो अपने अंडर में लिया उसको काट छाट करके 180 ग्राम कैरेट से उसको अभी 90 कैरेट में आपको क्वीन के ताज में मिलेगा। अभी भी कहाँ पर? एंड इट इज़ देयर इन द म्यूजियम विक्टोरिया के जो ताज में इन हाँ क्राउन। ओके, इंडिया में नहीं है राइट? इंडिया में नहीं है, तो कोई लूटमार नहीं करा था मुगलों ने, और बाकी जिन्होंने करा था वो आप लोगों के सामने हैं। और दूसरा कि जो फैक्ट्स हैं आपके सामने कि 12 हीरे जवाहरात में से वो एक बड़ा हीरा सबसे बड़ा जो संसार का बड़ा था 180 कैरेट का,
तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो ये लाल किला और ये दिल्ली और आगरा वॉज द मेन कैपिटल सिटी, सबसे बड़ी बात की उस वक्त उस टाइम दिल्ली था, दिल्ली था मैं को तब बहादुर शाह के टाइम पे था ना दिल्ली, तो लास्ट में कोलकाता दिल्ली एंड बट देन उस वक्त कैपिटल आगरा। तो आप इमेजिन करो कि ये एक छोटा शहर होने के बावजूद भी इतना प्रोमिनेंट और इतना वो आने वाली हिस्ट्री में हो रहा है। And he's there, right to Nikhil, and he's gonna attack me, and then I write more about to you. यहाँ पर कुछ 25,000 लोग इकट्ठे होते हैं ईद में, काफी बड़ा हॉल है। ये जो स्विमिंग पूल है वो किस लिए यहाँ पर बीच में पूल नहीं है, वो एवोल्यूशन का है, वजू करने का, जो पानी में हाथ धोते हैं वो छोटा सा है। और ये छोटे छोटे हॉल है, मेन बड़ा हॉल जो है ये वाला जहाँ पर सब नमाज पढ़ते हैं, और वो राइट जहाँ पर इमाम खड़े होते हैं, इमाम मतलब जो वो पंडित टाइप पुजारी जो होते हैं, जो द मेन प्रीस्ट, वो बीच में खड़े होते हैं। ओके, हॉल के बीच में खड़े होते हैं। ओके, वो पब्लिक पूरी भर जाती है, बाहर पूरा भर जाता है। इधर से आप सीढ़ियाँ देखो, इधर सीढ़ियाँ भी, सीढ़ियाँ उतरने की सेम वैसी गेट से गेट नंबर 2 से आप आए। अच्छा, ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 है। बाहर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर वजू के बाद हम लोग सब नमाज लाइन से पढ़ते हैं, और सीढ़ियाँ और मेन पॉपुलेशन इस साइड का हैरानी की बात है कि इस साइड का पॉपुलेशन 95% मुस्लिम्स का है, ये पूरा का पॉपुलेशन। ओके, आप ये सीढ़ियाँ दिखा दो, पब्लिक चढ़ रही है उतर रही है। और उस साइड से अगर उस साइड का गेट नंबर 3 वहाँ का अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो हिंदूज पॉपुलेशन अगेन सेम 95% वहाँ हिंदू मिलेंगे, 5% आपको मुस्लिम मिलेंगे। गौरी शंकर मंदिर बहुत मशहूर है, गौरी शंकर मंदिर, हाँ, एंड वहाँ पर जैन टेम्पल भी वहाँ पर वो दिख रहा है। और वो चीज़ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जिसको देख के अंग्रेज भी हैरान होते हैं, आज द ब्रिटिश वन पीपल यू कैन सी द पिजन्स फ्लाइंग, कबूतर का एक झुंड उड़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर। तो यार वो कबूतर की फाइट भी होती है जो हैदराबाद में होती है, हाँ वो सब यहाँ पर कराते हैं, मुर्गों की फाइट, मुर्गों की होती है। और यहाँ पर चील देखिए, ये चील है, ये काफी सारी है, इसके पीछे आप देखेंगे कबूतर के झुंड उड़ रहा है, कैमरा के साथ कैमरा में। उस साइड में आपको चील क्यों नहीं दिख रहा है, इसका ऐसा क्यों है, इसका जवाब दो आप, क्यों है? मैंने, आप नीचे लिखो, कमेंट मारो एंड गिव मी द आंसर, बिकॉज आई थिंक मैं अभी जो बात बोला हूँ उसमें ही आपका आंसर है। ओके, तो उस साइड चील हो रही है, कुछ नहीं है निकल उस साइड, आपको कुछ भी बर्ड नहीं। हाँ राइट यार, मैंने अभी ये पढ़ा, ये देखा मतलब। हाँ अब निकल जवाब दो क्यों, शायद उधर मंदिर और वो सब है या ऐसा नॉनवेज मार्केट या ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई। हाँ यू आर रीचिंग, हाँ ठीक है, बोलो बोलो, बोलते रहो बोलते रहो। नहीं इसका मेरे को मतलब आइडिया नहीं है कुछ भी। एग्जैक्टली यू सेड इट, तो यही रीजन, हाँ रीजन यही है। ओके, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ पर नॉनवेज है, तो इसलिए यहाँ पर आपको चील और कबूतर दिखाई देंगे, और उस साइड वेजिटेरियन लोग एक पंगा ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ एंड आई लव ऑल, जय लव इंडिया। ये पूरा नॉनवेज मार्केट है, सामने नॉनवेज रेसिडेंट है। ये पूरा सामने जामा मस्जिद है, तो वहाँ ऊपर जो टॉप कॉर्नर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, मीनार, राइट मीनार, मीनार से ही अभी हम लोग मीनार से हम आए। और यहाँ पर एक है, जैसे कि सब जगह होता है स्पेशली हिंदू मंदिर में, जैसे शूज खोल कर जाना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी शूज को हाथ में लेकर ही चलना पड़ता है, शूज लेके आप कहीं पर भी नहीं चल सकते हो। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और पूरा अली भाई मेरे को पूरा यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि कैसे वीडियो बनानी है और क्या करना है, तो पूरा मूवमेंट और यही करवा रहे सारा, काफ़ी सही है। और ये जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया नीचे लिखो निखिल रॉक्स। वैसे इसको क्या बोलते हैं, मैं फिर से भूल गया यार, ये वजू खाना, वजू खाना, वजू का पूल है, बीच में फुहारा होता है, और ज़्यादा डीप नहीं है, यहाँ तक टैंक रखी है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग वजू कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लोजअप ले रहे उनका। जस्ट जैसे कि हमारे ऐसे गंगा स्नान का और वो होता है, गंगा स्नान में पूरा शरीर, हाँ गंगा मतलब थोड़ा सा हाथ पवित्र, पवित्र होने के लिए, राइट पवित्र मतलब खुद को क्लीन करने के लिए। नमाज पॉसिबल नहीं है अगर आप वजू नहीं करेंगे, और वो वाला जो मैंने प्रॉफिट की जो बात बताई थी वो कॉर्नर है, वहाँ जाओ बैठा हुआ है बंदा, वो जा वो लगी हुई जाली टाइप, हाँ वो जाली लगा दी गई। और एक चीज़ और बताओ, वो जो सामने दिख रहा है मतलब जहाँ वो बैठे हुए वो छोटा सा बना हुआ है, वो किस लिए,
ये वाला हाँ वो कई बार हम यहीं से खड़े होकर के खुतबा देते हैं। अच्छा तब यहाँ पर जब तक ज़्यादा स्पीच जो मैस होता है क्रिश्चियन में गिव द स्पीच फ्रॉम देयर जो वो लगा हुआ है और पब्लिक पूरी हॉल में बैठी होती है अराउंड 25,000 पब्लिक यहाँ आराम से बाहर भी होती है। इसके अलावा बाहर सड़क बंद हो जाता है ईद की नमाज में जो आधे घंटे की नमाज होती है और फिर जो मेन हॉल है वो अंदर है अंदर शूटिंग अलाउड नहीं बट आई ट्राई टू टेक यू इनसाइड। तो चले कुछ सवाल है टाइम मस्जिद के अंदर आया हुआ वहाँ सरप्राइजिंग इंडियन है देखो फर्स्ट टाइम अली भाई के कारण साथ में देखने आया हूँ जस्ट की कैसा क्या होता है सब कुछ यहाँ परिवर्तन घर वापसी तो उल्टा हो गया ये पूरा है मस्जिद का वहाँ इमाम पढ़ाते जा खड़े होके नमाज पढ़ते हुए बैठ के आगे होते हैं इमाम बैठते उठते सब पोजीशन वो वहीं पर करते हैं हम लोग पीछे पीछे करते हैं और जैसे मैंने आप लोग को अभी बाहर प्रॉमिस कर रहा था कि मैं आपको अंदर लाऊंगा आप थैंक यू वहाँ पर जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली यहाँ मना है कि कोई नॉन मतलब जो नमाज अदा कर सकता है वही आ सकता है बाकी कोई भी यहाँ नहीं आ सकते लेकिन फिर भी ये मेरे को लेकर आ गए यहाँ पर पूरा शूट भी करवा डाला यहाँ का थैंक यू पता है मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर रहा था आने से पहले कि क्या होगा कैसे क्या होगा मतलब मन में बहुत बहुत ज़्यादा मेरे खौफ तक था एक खौफ था या जिज्ञासा थी जिज्ञासा तो थी जानने की लेकिन एक खौफ भी था कि यार मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे जा रहा हूँ एक ऐसा हिंदू लाइक नोट मैं रिलीजन को बीच में नहीं लाऊंगा लेकिन फिर भी मेरे मन में ये था काफ़ी ज़्यादा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अली ये क्या स्वास्तिक इतने सर में क्यों बना रखा है वो भी काला स्वास्तिक देखिए अब भी सवाल आता है कि जब आदमी इन्होंने पूरा मुंह पे भी कर रखा है जब परेशान होता है आदमी तो सब कुछ भूल जाता है उसको नहीं इन्हें पूरा मुंह पे भी कर रखा है आई नो दैट बट वो अपने एज में प्राइम एज में है जख्मी है एंड ही इज अंडर ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में फिर भीख मांग के गुजारा कर रहा है तो उस वक्त कुछ धर्म से आदमी दूर हो जाता है तो मस्जिद में भी आकर के मांग सकता है एंड ही इज नॉट इन द राइट मेंटल स्टेटस और बाकी खाने पीने में सब कुछ सही है लेकिन व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग लाइफ देयर इज नॉट तो ये भाई मिले दो मेरे को और पूछे थे भोपरू कहाँ से लिया भाई चोर बाजार से लिया क्या भाई चोर बाजार से नहीं लिया है मैंने ये ओरिजिनल है नाइस क्वेश्चन हां व्हाट्सएप निखिल WHA ये अच्छा सवाल था और ये सवाल पूछा था थैंक यू आपने नाम बताओ मेरा नाम है MS जैन ओके और ये ऑलमोस्ट हम लोग आज डे कंप्लीट हुआ एंड निखिल हैज बीन वेरी गुड आई फील दैट ही इज क्वाइट किडिश अरे यार ऐसे तो मत बोलो बट ही इज वेरी डेडिकेटेड एंड बहुत अच्छा ही देखी एंड डू सब्सक्राइब बिफोर आई से एनीथिंग ओके उनको भी लेने का क्या है अपन बॉम्बे से अभी पहले आया है आने के बाद देखो चाचा बोलता है ये वीडियो उठा ले इसको उठा ले जो आएगा देखा जाएगा बाद में देखा जाएगा या इधर आने के बाद अपन भाई से मिल के हम लोग को बहुत अच्छा लगा सच में यार थैंक यू सर भाई ये तो बस मैं निकलता हूँ ये व्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ कल इससे भी कुछ अच्छा व्लॉग आएगा और तो देखना मत भूलना और बाय बाय अली भाई बहुत बहुत थैंक यू फिर शायद हम लोग दोबारा मिलेंगे मिलते रहेंगे अब तो हम घुमाएंगे अली भाई मेरे को दिल्ली पूरा और मैं अली भाई के साथ ही घूमूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छे टूर गाइड है काफ़ी अच्छे थे इन्होंने घुमाया मेरे को अच्छे से एक्सप्लोर कराया फटाफट से आश्रम पे जाता हूँ मैं और ये व्लॉग एडिट करके कल अपलोड करता हूँ बाय भी जरूरी था हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई को भाई ने हमको लोगों को नहीं बोला है तो हम खुद से सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई का चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा।